घर जाना है, बच्चे बीमार है सारे। तो बीमार अल्लाह ताला छुपा देने वाले, ठीक हो जाएंगे। कौन? मेरी बात पहले सुनो ना, किस चीज की था? चले चले चले। इतना जल्दी नहीं जा रहे? नहीं जल्दी तो नहीं है। खैर तो है, क्या हो गया ऐसा? नहीं, सब घर वाले बीमार हैं तो इसलिए। यहाँ पे ना? नहीं वहाँ पे क्या, बिस्मिल्लाह। अब तो हमने चाय पी लिया, अब क्या फायदा है? चाय क्यों किसी के दर पे जाए? घर जाएंगे तो मैं वो कॉपी छपवा रखी है तो अपनी ले जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स किया करें, वीडियो जो है फॉलो वॉच करें। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह के टाइम को अभी चलते हैं चाय बनाना। तो जो जो बीमार हैं अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो मजदूर हैं अल्लाह पाक उसे भी शफा दे। तो अभी करते हैं वे लोग का आगाज हमारे साथ। तो अभी लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, ये देखिए ये सारा जो है पत्ते पे हैं, तो यहाँ पर लगाती हूँ झाड़ू। यहाँ पर मोटरसाइकिल भी खड़े हैं और सब लोग सो रहे हैं, और भाभी वहाँ पर बर्तन धो रही है। तो अभी चल झाड़ू लगा के फिर कोई और कम करूँगी इंशाल्लाह। तो झाड़ू जो है मैंने लगा दिया है, ये देखें। तो अभी ये बर्तन धोने जा रही हूँ, अब ये चूल्हा भी साफ़ करूँगी और ये बर्तन भी धोऊँगी। और पापे और ये पति जो है मेहरान लेके आ गया है, तो अभी चलती हूँ बर्तन धोने और ये चूल्हा साफ़ करने, उसके बाद जो है इंशाल्लाह। तो बच्चे जो देखिए ये आप चाय के इंतज़ार में बैठे हैं, चाय जो है अभी मैं इसमें चीनी पत्ती डाला है, दूध भी डाला है। तो रात एक पत्नी सिस्टर थी, भाई था, उसका कमेंट आया है कि चूल्हा जो है थोड़ा कम वाला करो, तो जलाया करो। तो आप बताएं, आप वहाँ पर नहीं गए? कहाँ? कुरान शरीफ पढ़ने। वो ये भाई ने कहा है वो आज वो मार्बल है ना नीचे, उसके ऊपर कलर हुआ पड़ा है, तो इसलिए वो मार्बल वाले ने कहा इसको करना मत करना। बोलो टीचर ने भाई ने कहा है अगले हफ्ते पढ़ाऊँगी, ये कल वो वहाँ पे जा रहे शादी पे। अच्छा। तो ढोलू भी उठ के आ गया सुबह सुबह। ढोलू 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 जाओ जाओ मम्मा के पास, हाथ में धो के आओ, जाओ जाओ जाओ। नहीं जाना जैनब, आप लेके जाओ ढोलू को, लेके जाओ, इसका हाथ में धुलवा लो। चलो आप ही के साथ जाओ। हाँ जी आप जा रहा है। अभी मैं बना रही हूँ चाय, चाय बना के इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो यहाँ पर देखें एहसान भी पापे खा रहा है और बीबी भी खा रही है। बीबी खा रही हो? गर्म है, इसे फूका दो, गरम गरम ना खाओ। और मेहरान को भी दे दिया है, जैनब को भी दे दिया है, ये देखे बच्चों की तरह खा रही है। तो आप बहन भैया कुछ कहोगे? अस्सलाम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? रेडी करो, मैं ठीक हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चेक करो, बेल करो, तो हमारे वीडियो की चलो चलते भी लोग। तो ये आप बहन भैया को चाय पापा नहीं दोगे? हाँ जी आप कुछ कहोगी? जी बिल्कुल। दीदी आप कह रही हो, आप कह रही हो, बीबी तो बोलती भी नहीं है, बस ऐसे देखती है। चलो जल्दी जल्दी खा लो। तो अभी भी बना रहे हैं रोटी, रोटी बन चुकी है, बाकी तीन पेड़े जो हैं बचे हैं। मैं पराठे तो ये कभी नहीं बनाया, भाभी जो मुझे पेड़े बना के दिया है, तो अभी ये पराठे बना रही हूँ।
तो जैनब भी साथ रोटी बना रही है। जैनब रोटी बना रही हो? जल्दी जल्दी सीख लो अपनी मम्मी की हेल्प करना, जल्दी जल्दी बताओ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं रोटी के बाद। तो अभी लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह भाभी जो है पानी लगा लिया था, उसने कहा कि शायद लाइट ना चले जाए, तो अभी अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये सब लगा दी है, अभी वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पर कचरा जो है ये एक साथ कर रही है, तो झाड़ू लगा के फिर नाश्ता करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर देखें ये बच्चे जो हैं ये क्या खा रहे हैं, जरा मैं देख लूँ। हैप्पी बर्थडे किया माशाल्लाह, हैदर अली, एहसान अली, इस्लामुद्दीन बीबी और मेहरान बख्तावर, नूर मोहम्मद, हाजरा, सब एक साथ। क्या हमने केक भी खाया? केक भी खा लिया। आज क्या मनाया है? किसका था? बीबी का। माशाल्लाह बीबी आपका था। चलो बीबी आज मुझे ना एक नाच सुना दो। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारी नात पढ़ी है। तो बहन भाइयों ये कमेंट में ज़रूर बताना है कि बीबी कैसी नात पढ़ी है। तो सब बच्चे जो हैं ये देखिए चले गए हैं, फिर से उस जगह पर आ गई हूँ। और ये बच्चे, तीन बच्चे बैठे हैं अभी, और मेहरान कहाँ पर? अंदर छोड़ने गई है। तो मेहरान आपसे ना मैं एक प्यारी सी नाच सुनना चाहती हूँ, क्या आप सुना दोगे? मुझे नहीं आती। आती है, ऐसे नहीं कहते। चलो सुनाओ। नंबरदार भी आ गया। नंबरदार दूध ले आए? माशाल्लाह आप सुनाओ। कौन सी? जो भी आपको आती है वो सुना दो। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए कौन है अल्ताफ़ अपना, दिल जिससे कहें कौन है अल्ताफ़ अपना, हाल दिल जिस से कहें गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए मैं क्यों दूँ इन्हें सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी नात थी आपकी। तो माशाल्लाह नाश्ता जो है लेके आ गई, ये रात वाला सालन है असलम भाई के घर से, और ये है असलम मुखलिस साहब के घर से, और रोटी भी
इरफान को जो है मैंने चाय पापा दे दिया, अभी चाय पी रहा है और मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब ये चाय की बस करेगा तो नाश्ता मिलकर खाएंगे। हाँ जी चाय पी ली, खत्म हो गई है, आखिरी घोट है, ये मेरा हिस्सा है। अच्छा जी, तो कहाँ पर है, नज़र तो नहीं है, मैंने पहले कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है माशाल्लाह, आपके दुआएं हैं करम है अल्लाह पाक का जी। तो आज जो है नाश्ता कर रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, वो आ जाए हमारे साथ नाश्ता कर लें जी। तो आज हमने जाना है घर वापस जी, तो इंशाल्लाह नाश्ता करके फिर तैयारी करते हैं, फिर घर चलते हैं। ओके जी जी, आप हजार बार सलाम करोगी, एक ही घर में रह के हजार बार सलाम करती हो जी, सलाम करा हाथ करता है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, अब जब पहले हम मिल के खाना खा रहे थे सब, अब तो हमने चाय पी ली है, अब क्या फायदा है चाय पीना है। चाय तो हमने पी ली है, चलो ये बर्तन आप उठा ले, मैं क्या करूँगी, चाय खत्म हो चुकी है। नहीं चाय है, मैंने बनाई है, पिला दे, बनाई है इनके रोज बनाती हूँ माशाल्लाह, ये तो ऐसे कर रही है। हाँ वो बोल रही है कि इनको ना इनको हल्का हल्का पानी मार लेना, फिर आप चाय पी सकते हैं। आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम घर जा रहे हैं माशाल्लाह, घर जा रहे हो जी। मैंने तो सुना है आप झगड़ा करके आए थे, पहले तो नहीं बताया, नहीं तो पहले दिन ही आपको भगा देता। चले आज जा रहे हैं ना, सही है, जान तो छुट्टी, जो झगड़ा करके आते हैं ना उनको तो हम नहीं आने देते। आप तो पता चल गया ना आपको, हाँ फिर आप चलो शाबाश करो, शाबाश करो, तितर हो जाओ, तितर हो जाओ। आप इजाजत नहीं देंगे? नहीं अभी तो देर है, अभी तो आपने मुझे लगता है तैयारी शारी भी नहीं किया है। नहीं ऐसे जाएंगे, चले चाय पी ले फिर चले जाओ। आखिर चाय पिला जा, आखिरी नहीं वैसे हमारे घर में आखिरी चाय, बाकी अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, आपके बच्चे हों और आप हमारी तरह जिंदगी गुजारे, तो हमारी ये दिल से दुआ है। दुआ किया करें, आप भी दुआ करती हो, हम भी तो सब बहन भाई के लिए और आपके लिए खसूस आपके लिए करते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद, सब बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं। ओके हो गया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह पाक का करम और दुआ है, वो भाभी आप सुनाइए। तो आज हम घर जा रहे थे तो मैंने सोचा आप से मुलाकात करें। इतना जल्दी नहीं जा रहे? नहीं जल्दी तो नहीं है, घर भी जाना जरूरी होता है। जल्दी नहीं है ना? नहीं ना जाए के? बस दुआ करें कि खैर खुशी से घर पहुंच जाए। चले नहीं माशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी दुआ है खैर खुशी से पहुंच जाएंगे। तो हम घर जा रहे हैं तो हमारे लिए दुआ करें, इजाजत दें। किसके घर? अपने घर। खैर तो है, क्या हो गया है? नहीं सब घर वाले बीमार हैं तो इसलिए। यहाँ पे ना? नहीं वहाँ पर, अपने घर। चलो मिठू बन, अल्लाह पाक आपका सफर आसान करे, जा जल्दी रहे हैं, अभी तो मौसम सही है, सर्दी नहीं आई। नहीं जब मौसम खराब हो जाए, हाँ तो मौसम खराब हो जाता है फिर बंदा सोचता है कि दूसरों के घर में है, मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, क्यों ना अपने घर से चले, अभी तो मौसम सही है। नहीं मौसम सही नहीं है, रात को ठंड होती है। चलो अल्लाह पाक आपको सफर आसान करे, कोई पूछे या ना पूछे कुछ भी नहीं कहना। तो चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुनाया तबीयत का?
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। तो आज जो हम घर जा रहे थे तो मैंने सोचा आप बुजुर्ग हैं, मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे घर के लिए इजाज़त लेके चलना है। घर जाएंगे तो मैं वो कापी छपवा रखी है तो अपनी ले जाए, वो जो तरीका है पढ़ने का वो तो वहाँ बता दे, इंशाल्लाह वो पढ़े। अल्लाह हुक्म अल्लाह करे सी अल्लाह से साहिब औलाद करे। फोटो कापी जो करवाने थे वो हो गई? हाँ जी बता रहे हैं। चलें जी, तो आज अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से ले जाए और वो बुजुर्ग हैं वो दुआ करते हैं इंशाल्लाह हमारे लिए पहले करते हैं और आज भी करेंगे, हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। सब के लिए दुआ करनी है, सब बहन भाइयों के लिए। और हमने वो जो वजीफा बताया था आपने वो भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे पढ़ेंगे। आमीन। चलो जी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और उनकी लंबी उम्र हो, क्योंकि हमें भी बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, बुजुर्ग बने तो वैसे भी पसंद आते हैं जी। चलो जी, हमारे लिए दुआ करने कि हम खैर खैरियत से पहुँच जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह पाक का, जबरदस्त। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी बच्चे सारे घर वाले छोटे बड़े ठीक है? चलो माशाल्लाह। तो असल बात पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जी तो आप ही बता दें जी। इजाज़त लेनी थी, आज हम घर जा रहे थे तो मैंने सोचा आपसे भी इजाज़त लेना। जा रहे हो आप? हमारे बड़े हैं तो हमारा हक बनता है इजाज़त लेना। नहीं वो तो सही बात है, क्योंकि जब आदमी जाता है तो फिर ज़्यादा ले कर जाता है। अभी जो है हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला जो है खैर खैरियत से ले जाए। आमीन आमीन। बाकी रहे तो अपने घर हैं जी, ये तो सारे अपने घर हैं। हमने कभी फर्क नहीं रखा कि ये अब हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर है, वो हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं। हम तो महीना यहाँ लगाते हैं, 15 दिन घर लगाते हैं। हमारा असली घर तो यही है और वो हमारे माँ बाप हैं। असगर मुखलिस साहब माँ बाप हैं, उस्ताद हैं जी। वेरी गुड। चलें जी, अब हम चाहेंगे इजाज़त। चलो अल्लाह ताला जो है आपको खैर खैरियत से ले जाए। आमीन आमीन। आपके भी अल्लाह पाक सब मुश्किलें आसान करे। आमीन। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारी हो गई है माशाल्लाह से। ये देखिए बैग वैग भी उठा लिया है। और आप ऐसे दुपट्टे में जाएंगे, चादर वादर पहन लूंगी। इधर है बैग में है जी। चलें जी। मेरी बात पहले सुनो ना, किस चीज की इजाजत है, क्या हुआ है? घर जाना है, बच्चे बीमार है सारे। तो बीमार है, अल्लाह ताला शिफा देने वाले, ठीक हो जाएंगे। आपके कपड़े सिल गए हैं? नहीं नहीं सिले। नहीं। आज जो सरप्राइज पार्टी आपको इन्वाइट किया हुआ है जी, बिल्कुल। तो फिर क्यों जा रहे हैं? वैसे ही भाई नहीं आठ बिल्कुल नहीं चले चले चल ऐसे पार्टी छोड़ के जाएंगे, कपड़े बगैर सिले हम तो कैसे पहुँचाएंगे? कपड़े आपके सिल जाएंगे जाना है। हाँ जी जनाब, आप सुन लिया जी? सुन लिया है। तो हम क्या करें, कपड़े की जो सिलाई नहीं हुई अभी तक वो भी लेना है और यहाँ पर जो काम बताया है वो भी तो करना है। हाँ मैं तो यही सोच रहा था कि कपड़े जो है तो अब यहाँ पर ना है मिलाद शरीफ है, मिलाद का महीना है ना, तो यहाँ पर कोई हमसाए का है मिलाद, तो भाभी दोनों जो है वहीं जा रहे हैं, तो मुझे कहे आप भी हमारे साथ चलें। घर पर तो कोई नहीं होगा, बच्चे भी सब जा रहे हैं और भाभी दोनों जा रहे हैं, बाकी यहीं पर घर होंगे, आप होंगे, नंबरदार होंगे, वो असलम भाई होंगे, असगर मुखलिस साहब होंगे, तो इसलिए भाभी ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। तो मैं भी आई हूँ यहाँ पर हाथ में धोने, तो जैनब हाथ में धो रही थी।
पत्थर है। तो मैं आपसे इजाजत लेनी थी, क्या मैं चले जाऊँ? चले जाए, क्योंकि ये सवाब दरहन है, सवाब का काम है। वहाँ पर जाऊँगी और बाजी से भी कुछ बात करूँगी, अपने लिए दुआ करवाऊँगी, खुद भी दुआ मांगूंगी, शायद अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। जी ये सवाब का काम है, आपको लाजमी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरा हक बनता है आपसे इजाज़त। जी ये तो है, चले माशाल्लाह ज़ैनब पुत्र। चलो मैं हाथ में, हाथ मुँह धो रही हो, अपनी भाभी को धोने दोगी? चलो ओके जी, फिर जब इंतजाम होगा, प्रोग्राम बनेगा, फिर घर चलेंगे।